हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज के इस क्लास में मैं आपको डेसिमल किसे कहते हैं और डेसिमल्स वाले नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किस तरह से होगा एक्सप्लेन करेंगे। तो डेसिमल क्या होता है? डेसिमल इज अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग फ्रैक्शन। मैंने आपको पिछली क्लास में डिटेल में फ्रैक्शन को के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो डेसिमल जो होते हैं, डेसिमल्स वाले नंबर भी जो होते हैं, वो फ्रैक्शन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शन को ही शो करते हैं। कैसे? चलिए इसको समझते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट के। मैंने आपको पिछली क्लास में प्लेस वैल्यू चार्ट भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप उसे भी देख के प्लेस वैल्यू चार्ट किसी भी नंबर का देख सकते हैं कि किसी नंबर को कैसे बोला जाता है। देखिए, प्लेस वैल्यू चार्ट ये है, जब आप वंस, जब प्लेस वैल्यू जो चार्ट होती है उसमें जब वंस, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, ये जो वैल्यू बढ़ती जाती है राइट से लेफ्ट साइड के साइड मूव करते हैं, तो टेन टेन से देखिए मल्टीप्लाई होता जाता है। वंस, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, तो एक एक डिजिट पे आगे बढ़ने पे आपका टेन टेन से मल्टीप्लाई होता। उसी तरह से अगर आप राइट साइड से लेफ्ट, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव होंगी, मीन्स ये जैसे ये इस साइड से आप इस साइड मूव करेंगी, तो जो है टेन टेन का डिवाइड होता जाएगा। तो इसको हम वन अपॉन, जैसे वन, फिर टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड हो रहा। और यहाँ पर आप जो है राइट साइड जब लेफ्ट साइड से मूव कर रही हैं, तो देखिए वन अपॉन टेन, वन अपॉन हंड्रेड, वन अपॉन थाउजेंड, मीन्स टेन से फिर हंड्रेड से टेन जो है नंबर में डिवाइड होता जा रहा है, ठीक है ना। तो आप इसे वन अपॉन टेन ना लिख करके जो नंबर लिखते हैं उसमें कैसे लिखेंगे? पॉइंट वन, इसकी जो है पॉइंट वन, ठीक है। और जब इसको बोलते हैं टेंथ की पोजीशन, और फिर आगे और बढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे वंस, टेंथ, हंड्रेड हुआ, उसी से उसी तरह से वंस से किससे जब इस साइड बढ़ते हैं आप राइट साइड पे, तो टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, इस तरह से उसकी उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो पॉइंट वन, और जब वन अपॉन हंड्रेड है तो पॉइंट जीरो वन, एंड वन अपॉन थाउजेंड है तो पॉइंट जीरो जीरो वन, इस तरह से इसकी वैल्यू हो होती जाती है। तो इसको हम कहते हैं, जब ये जो फर्स्ट नंबर होता है इसको हम कहेंगे कि क्या, तो इस पॉइंट पे जब कोई नंबर आएगा तो इसे बोलेंगे फर्स्ट डेसिमल प्लेस। पॉइंट जीरो वन हुआ तो इसे कहेंगे सेकंड डेसिमल प्लेस, और पॉइंट जीरो जीरो वन पे जो है थर्ड डेसिमल प्लेस। और नंबर में बोलेंगे जैसे वन, टेंथ, हंड्रेड, तो इसको बोलते हैं टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंथ। तो आज की इस क्लास में हम इस तरह के नंबर्स को कैसे जो है डेसिमल वाले नंबर को कैसे अरेंज करके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करेंगे समझेंगे, और जो है आगे जैसे होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ये जो है कुछ क्वेश्चन दिए हुए, चलिए इसको करते। जैसे ये है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 12.67 प्लस 4.34। एक चीज और समझिए, जो पॉइंट है इसे हम कहेंगे डेसिमल, ठीक है, या पॉइंट बोलते हैं, इसी यही पॉइंट जो है डेसिमल कहलाता है। तो इसके जो लेफ्ट साइड का पार्ट होता है, देखिए इसमें दो पार्ट होता है, तो जो लेफ्ट साइड का पार्ट होगा उसे कहेंगे होल नंबर पार्ट, और इसे कहते हैं डेसिमल पार्ट, ठीक है। तो एडिशन करने के लिए या सब्सट्रैक्शन करने के लिए सेम रूल है, जैसे आप एडिशन क्या कहते हैं प्लेस के अकॉर्डिंग नंबर को अरेंज करते थे, वंस की पोजीशन पे वंस, टेंस की पोजीशन पे टेंस, और ऐड करते थे, सिंपली उसी तरह से हम इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 12.67, और जो भी उसके साथ करना है, मतलब कैसे करना है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। 12.67 प्लस क्या है 4.34। तो देखिए 4 जो है इसमें 4 है, तो 4 जो है वंस की पोजीशन है, पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 3, 4, ओके। अगर कोई भी स्पेस खाली रहता है, जैसे अब अगर इस पे हम 4.342 ले लेते हैं, ओके, तो यहां हमने 2 ले लिया, ठीक। ये देखिए थर्ड पोजीशन है, अब यहां पर कोई नंबर नहीं ऊपर, तो आप इसके उस वहां पे सिंपली 0 बढ़ा लेंगे, और पॉइंट के बाद इस तरह से 0 बढ़ाने पे वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। जैसे होल नंबर के राइट साइड में अगर आप 0 बढ़ाते हैं तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा, सारी लेफ्ट साइड में, उसी तरह से पॉइंट वाले नंबर में अगर आप राइट साइड में इस तरह से 0 बढ़ाएंगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। आप इसको आप सिंपली ऐड कर लेंगे, 2 है और 0, तो ये है, इस तरह से 0 लगा के इसको एक लाइन में आप सीक्वेंस में अरेंज कर लीजिए और इसको सिंपली ऐड कर लीजिए, तो 2 0 0 हो जाए, 2 हो जाएगा, 7 में 4 ऐड होगा तो 11, 1 कैरी हो गया 6 एंड 3 9, 10 हो जाएगा, 1 कैरी ऐड करेंगे तो ये 0, पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा सिंपली, 2 प्लस 4 जो होगा 6 एंड 1 कैरी ऐड करेंगे तो 7 एंड ये 1, तो दिस इज आंसर 17.012। देखिए पॉइंट के बाद के नंबर को हम एक साथ इस तरह से नहीं बोलते हैं, जैसे कि 342, 670, हम बोलेंगे 12.67, 4.342, ओके, और इसको बोलेंगे 17.012, इस तरह से इसे बोला जाता है। सेकंड क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन सब्सट्रैक्शन का, सेम उसी तरह से करेंगे,
वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है उसको अरेंज करेंगे 27.83। एक ऐसे समझिए कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। अगर ऐसे कंफ्यूजन है तो आप बस इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना है, और राइट साइड में जो नंबर है उसे आप लिख लीजिए, लेफ्ट साइड में जो नंबर उसे लिख लीजिए, बट ये है उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग नंबर को लिखना होता है, उस चीज को समझना चाहिए। बट ये सिंपली ऐसे है, 3 से 5 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे तो 13 हो गया, 13 से 5 माइनस होगा तो 8 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 7 हो गया, 7 से 2 माइनस होगा तो हो जाएगा 5.7, 7 से 4 माइनस होगा 3, एंड यहाँ पे 2 लेफ्ट होगा। आप यहाँ चाहिए तो 0 लगा देना चाहिए था, मैंने नहीं लगाया, बट सिंपल यहाँ पे 0 लग के भी हो सकता था। तो आंसर इज 23.58। थर्ड क्वेश्चन देखिए मल्टीप्लीकेशन का है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लीकेशन का सेकेंड मतलब इस तरह से अरेंज करना नहीं है, उसका दूसरा रूल है, चलिए वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या 18.9 मल्टीप्लाई बाय 0.4, ओके। अब इसमें आपको ये पॉइंट को भूल जाना और सिंपल मल्टीप्लाई जो होता है उस तरह से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 9 का क्या होता है 36, 6 हो गया 3 कैरी, 4 8 जा 32, 32 में आपने 3 ऐड किया 35, तो 5 हो गया 3 कैरी, 4 1 जा 4 एंड 7 जो है 4 1 जा 4 हुआ, 3 ऐड हुआ तो ये हो गया 7, ठीक है। अब ये आपने इस तरह से ले लिया, अब ये जो है ये इस पॉइंट को आप कलेक्ट दोनों पॉइंट है उसको आप ऐड कर देंगे, यहाँ पे 1 नंबर के बाद है, यहाँ पे 1 तो ये हो गया 2, इधर से 2 डिजिट काउंट करेंगे और इसको सिंपल इस तरह से मल्टीप्लाई कर दें, पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर इज 7.56। फोर्थ क्वेश्चन है देखिए डिवीजन का, सिंपल इसको डिवीजन आप समझिए कि डिवीजन कैसे होगा। देखिए 24.66 में 12 से डिवीजन है। देखिए डिवीजन के बहुत सारे पार्ट है जिसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि होल नंबर से डिवीजन डेसिमल वाले नंबर में डिवाइड कैसे होगा, या डेसिमल वाले नंबर से होल में दोनों पार्ट में अगर डेसिमल है तो कैसे होगा, सबके अलग रूल है जिसकी मैं एक डिटेल में वीडियो आगे आपके लिए बनाऊंगी, ठीक है। तो 12 2 24 हो गया, सिंपल 24 किया यहाँ पे, माइनस हुआ, ठीक है। अब देखिए आपको ये चीज समझना है, आपने 6 यहाँ, आपको यहाँ पे 6 लेना है, ठीक है। 6 लेने से जब लेंगे तो उससे पहले आप यहाँ पे ये पॉइंट लगा देंगे। अब ये देखिए 6 लिया, 6 इससे नहीं डिवाइड होगा तो आपको 6 फिर से लेना है, तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे 0 लेना होगा, ठीक है। पहले देखिए 12 2 24 किया, माइनस हुआ, यहाँ पे 0 लेफ्ट होगा, फिर यहां से यहाँ पे आपको यहाँ का 6 लेने से पहले आपको यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। फिर आपने 6 लिया, अब ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, अब ऊपर का भी 6 फिर से लेना है तो आप यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर जो है इसको ये मीन्स ऊपर से 6 लेंगे, ठीक है। अब 12 5 जा क्या होता है, 12 5 जा होता है 60, तो आप सिंपल 12 5 जा 60 करेंगे, माइनस करेंगे, 6 हो गया। अब ये पॉइंट लगा है तो अगर आपको एक नंबर ऊपर से लेना है तो मीन्स अगर आपका पॉइंट है यहाँ पे तो आप आराम से 10 यहाँ पे ले सकते हैं। अगर लेकिन 20 फिर से अगर आपको जैसे नहीं डिवाइड हो रहा है और आपको फिर से नंबर ऊपर से लेना तो आपको यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, ओके। ये चीज समझने वाली बात है, देखिए मैंने सिर्फ यहाँ पे 0 लिया तो मैंने यहाँ पे कोई भी 0 नहीं लगाया, बट अगर लेना पड़ता तो मुझे फिर से यहाँ 0 लगाना पड़ता। अब ये 12 5 60 हो गया एंड ये रिमाइंडर हो गया 0 और आंसर इज 2.055। बाय।